हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फूड का पार्ट 3। ये ही इसका फाइनल पार्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्राची की किताब से ये चैप्टर शुरू किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो ख़त्म किया था तो वो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ तक हमारा हो गया था चैप्टर, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम ले रहे हैं विटामिन्स से। तो विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। तो विटामिन्स जो होते हैं एसेंशियल, यानी कि ज़रूरी होते हैं। किस लिए ज़रूरी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए, यानी कि किसी को बड़ा करना है, बड़ा होना है तो विटामिन्स अच्छे से लेना। ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी तो मेंटेन रखते ही रखते हैं। विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, विटामिन खाने से हमें कोई एनर्जी तो नहीं मिलती है। दे ओनली हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। सो विटामिन जो होते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करवाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन ए सी डी ई के एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो जो विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उनके नाम भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो हमारी बॉडी जो है खुद केवल ये 2 विटामिन बना सकती है, जो है विटामिन डी और विटामिन के। सो अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर फूड। तो बाकी के जो विटामिन होने चाहिए वो हमें फूड से मिलते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। की इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं या क्या, कौन से फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन। अगर हम फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, नट्स खाते हैं तो ये गुड सोर्स हैं हमारे विटामिन के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है ये काफ़ी ज़्यादा, ये तो मिक्सचर ही होता है बाकी सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन का। द इंपॉर्टेंट विटामिन इन दिस ग्रुप आर विटामिन B1, B2, B4, B6, B9 और B12। तो इसको ध्यान रखना बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। विटामिन सी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा जो विटामिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम हीटिंग करते हैं। हीटिंग के प्रोसेस से कौन सा विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज़ वाई आवर डाइट मस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉ या फिर फ्रेश फ्रूट्स एंड हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के बारे में पढ़े, उससे पहले हम ये डू यू नो पढ़ लेते हैं। देर आर 50 विटामिन नोन टू अस, लगभग 15 विटामिन हैं जिनके बारे में हम जानते हैं एट प्रेजेंट। इनिशियली व्हेन द विटामिन वर डिस्कवर्ड, जब विटामिन डिस्कवर हुए थे, देयर एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन वॉज नॉट नोन, तब उसकी एक्चुअल कंपोजिशन हमें नहीं पता थी केमिकल। सो दीज वर कॉल्ड बाय द लेटर सच एज ए बी सी डी ई एन के, ठीक है। तो बस इन्हीं से हम उन्हें जान देते। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, कौन कितना घुलता है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ही पता चलता है विटामिन का क्लासिफिकेशन होता है। दोज सॉल्युबल इन वाटर आर टर्म्ड एज वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाए वो कहलाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाइल दो सॉल्युबल इन ऑयल या फिर फैट में वो टर्म्ड होते हैं ऑयल या फैट सॉल्युबल विटामिन, ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, हमें नाम याद रखना है विटामिन बी एंड विटामिन सी। और फैट यानी कि ऑयल सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, विटामिन ए डी ई एंड के। विटामिन ए डी एंड के आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी फैट, हमारे बॉडी के फैट में भी ये स्टोर होता है। सम इंपॉर्टेंट विटामिन एंड देयर इफेक्ट्स इन द सोर्सेज आर गिवन बिलो, यहाँ पर दे रखे हैं आपको कौन सा विटामिन जो है उसका काम क्या है और वो हमें कैसे मिलता है। देखो विटामिन ए के बारे में उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये चाहो तो आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को मैं क्या पढ़ाऊँ, ये आपको जो है आप इसको पॉज करो, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलो आगे आ जाते हैं, ये सोर्सेज वगैरह जो किस विटामिन से हमें क्या मिलता है ये सब प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लेना पॉज करके, ठीक है। अब ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये लिस्ट भी आप पूरी की पूरी ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके वीडियो को, ठीक है। जैसे कि विटामिन बी हो गया, नेसेसरी फॉर ग्रोथ हो गया, एसेंशियल ड्यूरिंग लोकेशन एंड क्या है हमारा प्रेगनेंसी, तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो क्या खाएं मिल जाएगा हमें, मिल्क है, सी फूड है, सोयाबीन है, तो ये सब चीज़ों से हमें मिलता है। तो ये पूरी लिस्ट जो है, ये पूरी लिस्ट में क्या बोलूँ, ये तो सिर्फ रीडिंग करनी है। सो आपको क्या करना है, पॉज करो और सारी नोट डाउन कर लो। आ जाओ एक्टिविटी 5 क्या दे रखी है। टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी इन फूड सैम्पल, हमें क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, टेक अ पिंच ऑफ स्टार्च इन अ टेस्ट ट्यूब, एक पिंच स्टार्च लो टेस्ट ट्यूब में एंड ऐड करो उसमें 5 ml ऑफ वाटर, यानी कि 5 ml उसके अंदर पानी डालना है। फिर क्या करना है, बॉयल इट फॉर अ मिनट एंड कूल, उसको बॉयल करो एक मिनट के लिए, फिर ठंडा करो। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, उसके अंदर कुछ ड्रॉप डालो आयोडीन सॉल्यूशन के एंड ऑब्जर्व द कलर। अब आप ध्यान दो कि कलर कैसा होता है उसका, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। टू दिस ब्लू सॉल्यूशन, इस ब्लू सॉल्यूशन में ऐड करो जूस ऑफ द फूड सैंपल,
फूड सैंपल का जो भी जूस है वो करो ड्रॉप वाइज, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है अंटिल ब्लू कलर डिसअपीयर्स, जब तक कि ब्लू कलर बिल्कुल गायब नहीं हो जाता। इस शेक द सॉल्यूशन, इसको शेक करो एंड ऑब्जर्व करो द कलर ऑफ द सॉल्यूशन कि कलर कैसा होता है सॉल्यूशन का। इफ़ द सॉल्यूशन बिकम्स लाइट ब्राउन, अगर सॉल्यूशन हो जाता है हल्के ब्राउन कलर का, द फूड सैंपल कंटेन्स विटामिन सी, तो मान लो कि फूड सैंपल में विटामिन सी है। मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉल्ट्स ऑफ सर्टेन मेटल्स नॉन मेटल्स नीडेड बाय अवर बॉडी, तो हमारी शरीर को ज़रूरत होती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिनरल्स, तो जिन सॉल्ट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है चाहे वो मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, तो उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। मिनरल का काम क्या होता है, मिनरल हेल्प करते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स की, किससे हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो जाता है एक तरीके से। मिनरल ऑल्सो रिक्वायर बाय अवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, सो मिनरल जो है हमारी बॉडी में काफ़ी कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है उनकी। मेनी अदर मिनरल्स सच एस कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, तो काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में काफ़ी कम अमाउंट में जिनकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ डू यू नो पढ़ लेते हैं, वुमेन नीड मोर आयरन कैल्शियम एंड फास्फोरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि एक और बॉडी बन रही होती है लेडी के शरीर में, तो उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। आप डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सम मिनरल्स फॉर एडल्ट, तो कितनी कितनी चाहिए ये आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछा जाता क्लास सिक्स में। नेक्स्ट आ जाओ, सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्सेज इन फूड एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे मिनरल्स बता रखे हैं जैसे कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, तो ये सारी जो लिस्ट आपको दे रखी है, फिर वही मैं कहूँगी इसको पॉज करो और इसको अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लो, ये लिस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये देखिए यहाँ तक भी आप पूरा पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे आते हैं, हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, पानी जो है ज़िंदगी में जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर, लगभग 2/3 हिस्सा हमारी बॉडी का जो होता है वो किसका होता है, वाटर का होता है। ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑल्सो कंटेन लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है पानी। ग्रेप्स कंटेन करते हैं मोर देन 50% ऑफ द वेट ऑफ वाटर, ग्रेप्स में लगभग 50% से भी ज़्यादा वजन जो होता है वो किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। तो एक डू यू नो पढ़ लेते हैं इधर, ये देखो ये वाला, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट करता है बाहर निकलता है अबाउट 1.5 to 3.0 लीटर ऑफ वाटर पर डे, टू मेक अप फॉर द लॉस वन शुड टेक इन अ वाटर इन डाइट, तो आपको जो लॉस हो रहा है ना बॉडी से निकल रहा है ना, तो आपको इतना ही पानी पीना भी ज़रूरी है। इधर वाला पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ये जो दे रखा है, डू यू नो ब्लड कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो हमारे खून में होता है काफ़ी ज़्यादा पानी। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉज होता है डिहाइड्रेशन, अगर पानी का लॉस होगा हमारी बॉडी से तो डिहाइड्रेशन होगा, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट्स थिकर, खून जो होता है काफ़ी गाढ़ा हो जाता है कॉजिंग सीवियर पेन, इससे क्या होगा काफ़ी ज़्यादा पेन होंगे, क्रैम्प्स होंगे हमारे मसल्स में, यानी कि पानी आप पीना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। अब फंक्शन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर इन अवर बॉडी आर, पहला फंक्शन होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वाटर काफ़ी ज़रूरी होता है, और केमिकल्स जो भी हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं उनको पहुँचाने का काम भी वाटर ही करता है। फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी कौन करता है, पानी करता है। फॉर द एक्सक्रीट ऑफ बॉडी वेस्ट, आपकी बॉडी से जो वेस्ट निकालता है वो भी काम वाटर ही करता है, एज अ मीडियम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी, तो ये भी इस चीज़ का मीडियम भी होता है। डाइट्री फाइबर्स और रफेज के बारे में पढ़ना है अब, द इनडाइजेशन इनडाइजेस्टिबल फाइबेरियस मटीरियल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में एज टर्म डेस्ट रफेज, हम उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रफेज। रफेज कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेल्यूलोस, रफेज जो होता है कंसिस्ट कहाँ पर, प्लांट के सेल्यूलोस में। अवर बॉडी सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स टू डाइजेस्ट सेल्यूलोस, तो हमारी बॉडी में तो ऐसा कुछ भी कोई इंजाइम नहीं है जिस एंजाइम के हेल्प से हमारा जो सेल्यूलोस है वो जो डाइजेस्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, रफेज रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और ये अनडाइजेस्टेड रह जाता है यानी कि डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में, एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जब आप पॉटी वगैरह जाते हो तो ये बाहर आ जाता है। मेजर सोर्सेज ऑफ रफेज इन अवर फूड, मेजर सोर्सेज क्या हैं कि अगर हमें बॉडी में रफेज चाहिए क्योंकि एक्सक्रीट तो करना ही है हमें भी, तो हमें सैलड खाना चाहिए, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाने चाहिए, कॉर्न कॉब स्किन ग्रेन्स, तो ये सब हमें लेना चाहिए। फंक्शंस ऑफ डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं, रफेज हेल्प करते हैं इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, ठीक है, पानी को बना के रखता है ये, इट एड्स बल्क टू द फूड एंड गिव्स अ सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील, अब रफेज नहीं होगा तो आपको ऐसा पेट भरा है ऐसा लगेगा नहीं, तो रफेज की वजह से आपको ये फीलिंग भी आती है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज से बचाता है, यानी कि जिन लोगों को काफ़ी टाइम तक पॉटी नहीं होती है तो उनको रफेज ज़्यादा लेना चाहिए, और हेल्प करता है रेगुलर मूवमेंट ऑफ दी बोल्स, मतलब पॉटी जाने में आपको हेल्प करता है एक तरीके से। तो यहाँ ये होता है फिनिश,
अब ये जो क्वेश्चन हैं आप चाहो तो मतलब पॉज करके देख सकते हो, अब आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम। देखो ये सब पॉज करो और ये क्वेश्चन देख लो, आंसर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब ये पार्ट जो है ना ये ज़रूर पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना ये उसका ना शॉर्ट होता है, तरीके से नोट्स बने होते हैं। अब आ जाओ आगे, बैलेंस डाइट। द फूड वी ईट मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो जो भी हम फूड खाते हैं तो उसमें जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी, फूड को जो भी हम खा रहे हैं। सो बैलेंस डाइट अगर हम खा रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए एनर्जी। इट शुड प्रोवाइड मटीरियल्स, जो भी हम फूड खा रहे हैं उनको वो मटीरियल्स देने चाहिए हमारी बॉडी को, टू रिपेयर द डैमेज सेल टिश्यूज इन अवर बॉडी, जो रिपेयर कर सके हमारे डैमेज सेल को, हमारे टिश्यूज को जो हमारी बॉडी में होते हैं। इट शुड मेक न्यू सब्सटेंस असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो हमारी बॉडी में जो हम फूड खा रहे हैं उसे कैसा होना चाहिए, वो उसके अंदर होने चाहिए सब्सटेंसेस जो ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अ मील कंटेनिंग सम और ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड टेकन बाई ह्यूमन्स, एक जो भी मील होता है उसमें कंटेन होता है सम और होना चाहिए एक तरीके से सम और ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड टेकन बाय द ह्यूमन, जितने भी कॉम्पोनेंट है लाइक प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट्स इज टर्म्ड एज डाइट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उनको हम बोलते हैं वो हमारी डाइट है, ठीक है। मील हाइक, हमारी जो मील होती है वही हमारी डाइट होती है। द डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिस डाइट में सारे ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं राइट प्रॉपर मतलब अमाउंट में जितनी ज़रूरत है वो कहलाती है बैलेंस डाइट। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कर लेना। द कम्पोजिशन ऑफ द बैलेंस डाइट डिपेंड्स, किस चीज़ पर कम्पोजिशन डिपेंड होती है, सेक्स पर, एज पर, मतलब आप लड़का हैं लड़की, दैट इज सेक्स, एज आपकी कितनी, आप बूढ़े हैं बूढ़े हैं बच्चे हैं, तो रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, एक बूढ़े की एक बच्चे की, जवान आदमी की तो अलग होती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, जैसे मजदूर है उसको तो बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और अगर एक ऑफिसर है उसको सीट पर ही बैठना है तो उसके थोड़ी कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है ये। अब टिपिकली बैलेंस डाइट शुड कंटेन, यही जो बैलेंस डाइट है ये आप पढ़ लेना कि टिपिकली क्या चीज़ कितनी चाहिए होती है, ठीक है। द रिकमेंडेड बैलेंस डाइट पर डे फॉर अ 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इज गिवन बिलो, तो यहाँ पर 12 साल के बच्चे का चार्ट दिया है। जनरली ये चार्ट आपके एग्जाम में तो नहीं आता, आप जो नॉलेज से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। चलो आ जाओ, डीप फ्राइड एंड रोस्टेड फूड लॉस कर देते हैं देयर न्यूट्रिटेटिव वैल्यूज़, तो अगर हम डीप फ्राइड या रोस्टेड फूड खाते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। सो सच फूड शुड बी अवॉइडेड, तो ऐसे फूड हमें जनरली नहीं खाने चाहिए। ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स आर टेस्टी बट हार्मफुल, टेस्टी तो बहुत लगते हैं मगर ये हार्मफुल होते हैं। देयरफॉर सच फूड्स शुड नॉट बी टेकन एज अ रेगुलर फूड, तो ऐसे फूड को हमें रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। ऑयली या फिर फ्राइड फूड व्हेन टेकन इन एक्सेस कॉज ओबेसिटी, अगर हम इन्हें एक्सेस में खा लेंगे तो हमें हो जाएगी ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अब आ जाओ आगे, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न्ड दैट टू स्टे हेल्दी वी शुड टेक बैलेंस डाइट, तो हमने पीछे पढ़ा कि भाई अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें न्यूट्रिशन वैल्यू को बना के रखना है, अपने फूड की हेल्दी डाइट खानी है, लेस देन द रिक्वायर्ड फूड इवन इफ इट इज विल मेक अस वीक एंड सिक, अगर ऐसा होगा अगर हम कम लेंगे तो फिर हम वीक हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं बताना भूल गई थी, ओरल क्वेश्चन देख लेना और ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ये देख लेना, ठीक है। तो ये सब वही होता है जो पीछे पढ़ाया गया था, बस ये कि शॉर्ट नोट है, बनाना चाहते हो पॉज करके नोट्स लिख लो। ओरल क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट आ जाओ आगे, अंडर न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। सच एज एन हेल्दी स्टेट ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द इनटेक ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। देखो अगर आप अनहेल्दी स्टेट में हो, अगर अपनी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लिया तो आप ही कहलाओगे ना अंडर न्यूट्रिशन। सो अंडर न्यूट्रिशन मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, तो कुछ रीजंस हैं जो हम यहाँ ले रहे हैं, ड्यू टू द पॉवर्टी। बेटा बहुत सारे लोग हमारे देश में बहुत गरीब होते हैं तो वो तो न्यूट्रिशन वाला प्रॉपर खाना खा ही नहीं पाते, जो मिला बस वो खा लिया। सो पुअर पीपल क्वाइट ऑफन आर नॉट एबल टू बाय द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड, ठीक है, तो देयर फॉर दे सफर फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन, तो इस वजह से उन्हें हो जाता है अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। भाई फूड नहीं अवेलेबल होता उन लोगों को, जिन लोगों को, तो फिर उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ प्लेस ऐसा होता है जहाँ पर फूड ही अवेलेबल नहीं है। तो समटाइम्स ड्यू टू द रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पीपल, जो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में भी नहीं होते, तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों को सफिशेंट फूड नहीं मिलता, अवेलेबल ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़, अगर कहीं बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, तो ऐसी जगह लोगों को फूड नहीं अवेलेबल होगा तो फिर कैसे मिलेगा। अब मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, समटाइम्स अवर डाइट मे बी लैकिंग इन वन और मोर न्यूट्रिशन, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी जो हमारा डाइट है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो उनकी कमी हो जाती है। इन सच अ सिचुएशन क्या होगा, इवन इफ वी ईट सफिशेंट फूड, हम खाना तो प्रॉपर खा रहे हैं, अवर बॉडी डज नॉट गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नरिशमेंट, तो इससे क्या हो रहा है, लेकिन कोई न्यूट्रिशन अगर एक भी नहीं मिल रहा है हमारा, ठीक है, तो अगर एक भी कॉम्पोनेंट कम है तो हमारी बॉडी को पूरी तरह से नरिशमेंट तो नहीं मिलेगा।
अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट वी मे गेट वीक एंड फॉल सिक। अब हम इस तरह से क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और ठीक है कमज़ोर हो जाएंगे। सच अ कंडीशन इन विच पीपल वीक एंड सिक, जब वो कंडीशन जब जिसमें जो लोग हैं वो वीक हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन, ठीक है कमी से एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन की इन वन स्टाइट, वो कहलाता है मेल न्यूट्रिशन। दस मेल न्यूट्रिशन में भी ईदर ड्यू टू द केयरलेसनेस कि आप ध्यान से खाते ही नहीं हो, जो मन जैसे कच बच्चे तो होते हैं हमारे पिज्ज़ा पे बहुत रहते हैं, चाउमिन पे बहुत रहते हैं, तो ये तो केयरलेसनेस में आएगा, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन। कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़े लिखे नहीं होते तो उन्हें पता ही नहीं कि भैया प्रॉपर न्यूट्रिशन की बॉडी को ज़रूरत है। बोथ द अंडर न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन रिट्रेट द ग्रोथ, मतलब रोक देती है ग्रोथ एंड कॉज मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़। तो ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही स्टेज जो है वो बहुत ही ख़राब होती हैं हमारे पीपल के लिए, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप की हो, ठीक है ऑल एज ग्रुप्स के लिए ख़राब होती हैं। द ग्रोइंग चिल्ड्रन आर अफेक्टेड वेरी बैडली बाय अंडर न्यूट्रिशन, जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो अगर वो नहीं ठीक से देंगे तो अंडर न्यूट्रिशन में पहुँच जाएंगे या फिर मेल न्यूट्रिशन में। फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड गेट्स लेसर कार्बोहाइड्रेट, अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बच्चे को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो कम मिल रहा है अपनी डाइट में, ठीक है लेसर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन हिज डाइट, तो ही सफर्स फ्रॉम द प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। सो PEM प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन फॉल सिक क्वाइट ऑफन, तो एक बच्चा अगर उसको मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा तो काफ़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है। अ मेल न्यूट्रिशनड चाइल्ड डज नॉट नीड कॉस्टली मेडिसिन, ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, उसको क्या जरूरत होती है, ही शुड बी गिव इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट, तो उसको मिलना चाहिए बैलेंस डाइट। ओबेसिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मोटापा। द ओवरवेट एंड बल्कनेस, बल्कीनेस ऑफ अ पर्सनस बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, यानी इकट्ठा हो जाना ऑफ फैट, यानी कि फैट का इकट्ठा हो जाना हमारी बॉडी में ओबेसिटी होता है, जिसको बोलते हैं मोटापा। कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या होता है, किस कारण इंसान को मोटापा होता है, पहला ओवर ईटिंग, खाओ दबा के खूब ज़्यादा फिर हो जाएगा आपको मोटापा, पर्टिकुलरली फैट रिच फूड अगर आपने बहुत ज़्यादा खाया तो हो जाएगा मोटापा। दूसरा है हार्मोनल इनबैलेंस भी हो जाता है, कई बार बीमारियाँ आ जाती हैं लोगों को और वो मोटे होते जाते हैं, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है उनकी बॉडी में जिससे उनका वेट बढ़ता जाता है, या फिर लैक ऑफ फिजिकल वर्क, आप फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करिए खाते जाइए तो हो जाएंगे आप मोटे। आप आ जाओ वेज टू कंट्रोल ओबेसिटी, क्या तरीके हैं कि हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय, क्या ऐसे कैसे तरीके हैं भाई ये पढ़ लो बहुत ध्यान से, आधी दुनिया मोटापा कम करने में लगी है आजकल। ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली एंड रेगुलेट करना चाहिए, एक्चुअली मतलब आपको ना ऐसा है कि रेगुलरली करना है आपको, ऐसा नहीं है कि एक दिन करा चार दिन छोड़ दिया। टेकिंग मेडिसिंस, आप मेडिसिंस लीजिए टू करेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर प्रॉब्लम हो गई है तो फिर मेडिसिंस लो, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मेडिसिंस लेनी पड़ेंगी। अवॉइड करना है हाई फैट को एंड हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ओबेसिटी अ हेल्थ हैजर्ड, भैया है तो है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी, इज़ अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हेल्थ के लिए। ओबेस पीपल आर नॉट एक्टिव, जनरली देखा गया है कि जो बहुत मोटे लोग होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, एंड मे सफर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, उनको हो सकती है इनमें से कोई भी बीमारी, क्या क्या, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल हो सकता है उनका इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नेक्स्ट दे रखा है कार्डियो वेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पर दे रखा है ब्लॉकेज हो सकती है उनकी आर्टरीज में, क्योंकि वहाँ भी जम सकता है फैट जाके, और कोरोनरी अटैक हो सकते हैं, यानी कि और डायबिटीज़ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब डू यू नो में पढ़ते हैं द कॉन्टीन्यूस डिपोजिशन ऑफ अनयूज्ड फैट, पूरा जमा होता रहना फैट का अंडर द स्किन, स्किन के अंदर एंड अराउंड द एब्डोमेन मेक अस ओबेस, तो ये सब बनाता है हमें मोटा। अब जितना हमने पढ़ा है यहाँ पर देखो, ये चीज़ जो है ये नोट्स एक तरीके से आपके बने हुए, तो उनको नोट डाउन कर लेना। आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, डेफिशिएंसी डिसीज़, ओरल क्वेश्चंस हैं, देख लो क्वेश्चंस, जवाब देना, अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जवाब दूंगी। डेफिशिएंसी डिसीज़, बीमारियाँ जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं, और डिसीज़ कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन, बीमारी हो सकती है किसी भी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस की कमी के कारण, ठीक है वही कहलाती हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ या फिर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी डिसीज़ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, अब किसी डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी से अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो वो एटलीस्ट दूसरे में ट्रांसफ़र तो नहीं होती है। दीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज़, तो तीन तरीके की डेफिशिएंसी डिसीज़ होती हैं। पहली है प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी डिसीज़, जो कि होती है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं PEM। दूसरा है
मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस, तीसरा आता है विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें उन्हीं से मिलती है। 2000 से 2500 कैलोरीज तक मिल जाते हैं, नीडेड बाय आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है इतनी कैलोरीज की, ठीक है। मच ऑफ दीज कैलोरीज आर ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। अब बॉय या फिर अ गर्ल ऑफ योर एज, लगभग जितने साल के आप हो बच्चों, उस एज के बच्चों को चाहिए एटलीस्ट 320 ग्राम ऑफ सीरियल्स यानी कि वीट एंड राइस एंड अबाउट 50 ग्राम ऑफ शुगर और जैगरी यानी कि गुड़ खाओ या चीनी लो पर डे टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, वरना एनर्जी नहीं है मिलेगी। बिसाइड्स राइस और वीट, अदर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रिच सीरियल्स हैं जैसे कि बाजरा है, रागी है, मक्का है, ज्वार है, तो ये भी आप खा सकते हो। अ डाइट दैट कंटेन्स लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाली कमी वाली, कार्बोहाइड्रेट की कमी वाली डाइट, ठीक है। इफ़ अ पर्सन टेक द कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही और शी सफ़र करेंगे फ्रॉम जनरल वीकनेस से या फिर लैक होगा ऑफ स्टेमिना लैक हो जाएगा, यानी कि काम करने की क्षमता जो उनकी कम हो जाएगी। के नॉट बियर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, कोई भी फिजिकल या फिर मेंटल स्ट्रेन जो है वो ले ही नहीं पाएंगे। अब आ जाओ, टू मच इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट डज नॉट मेक यू स्ट्रॉन्ग। अगर आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाने लग जाओ तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द बॉडी वेट, और इस तरीके से सिर्फ आपका बॉडी का वेट ही बढ़ जाएगा, आप ओवर वेट हो जाओगे। पीपल आर ऑफन लेजी हो जाते हैं और ऐसे लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं बिल्कुल। डेफिशिएंसी ऑफ फैट, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स आर ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। तो फैट खाने से भी हमें एनर्जी मिलती है, इवन ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स ऑन इक्वल मास बेसिस। आधा किलो फैट आधा किलो कार्बोहाइड्रेट लोगे तो फैट वाला जो पार्ट है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी रादर देन जो आपने कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती। फैट्स हमें हेल्प करते हैं इनसे द साइज ऑफ विटामिन डी एंड के लिए हमारी बॉडी के अंदर। फैट्स ऑल्सो हेल्प करते हैं इन कीपिंग द स्किन एंड हेयर सॉफ्ट, इससे हमारी स्किन सॉफ्ट रहती है और हमारे हेयर भी सॉफ्ट रहते हैं। सो ओनली अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स शुड बी टेकन इन आर डाइट। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल देसी घी नहीं खाते तो बच्चों खाना है, ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। या बटर नहीं खाते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ छोड़नी है, तो खाना तो सब कुछ है क्योंकि बैलेंस डाइट तो ज़रूरी होती है। लेकिन एक्सेसिव इनटेक हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए फैट्स या ऑयली फूड का, तो ये भी होता है हार्मफुल, ठीक है। ये आपको अच्छे से बता रखा है कि ये भी हो जाता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल। द एक्सेस फैट जो होता है वो गेट डिपॉजिटेड यानी कि जमा हो जाता है इन द बॉडी टिश्यू में एंड कॉजेज ओबेसिटी, और फिर उससे क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा मोटापा, ठीक है। ओबेसिटी लीड्स टू द हार्ट डिसीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो ओबेसिटी से तो जनरली यही होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, लोगों को, इवन डायबिटीज़ भी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉब्लम्स। अब प्रोटीन से अगर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से मतलब क्या होगा, अगर प्रोटीन कम लेंगे तो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू फॉर्म न्यू सेल्स। तो इसकी ज़रूरत होती है हमें नए सेल्स बनाने के लिए एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए जो डैमेज्ड होते हैं। प्रोटीन हेल्प करते हैं इन द बॉडी ग्रोथ, यानी प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी हेल्प करते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी लीड्स टू सीवियर मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएंगी, तो प्रोटीन तो अच्छे से लेना है बिल्कुल। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन यानी कि PEM इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। PEM कॉजेज द फॉलोइंग डिसीज इन चिल्ड्रन। अब यहाँ एक काम करते हैं, देखते हैं कितना रह गया हमारा चैप्टर। ये चैप्टर होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, तो बच्चे इस वीडियो में तो मुझे नहीं लग रहा ये कवर हो पाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन पे रोक लेते हैं, ठीक है, और आगे का पार्ट हम करते हैं इससे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट भी इसका आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।